टुडे इज द टॉपिक इज व्हाट इज फ्लूइड फ्लो एंड टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स एंड विस्कोसिटी. फ्लूइड फ्लो इज अ पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड डील्स विद फ्लूइड डायनामिक्स. जो फ्लूइड फ्लो होता है वो पार्ट होता है फ्लूइड मैकेनिक्स का और फ्लूइड डायनामिक्स के साथ डील करता है. इट इन्वॉल्व्स द मोशन ऑफ अ फ्लूइड सब्जेक्टेड टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस. दिस मोशन कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर अप्लाइड. ये मोशन जब तक कंटिन्यूटी में रहता है जब तक हम इस पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाई करे जाएंगे. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इफ़ यू आर पोरिंग वाटर फ्रॉम अ मग द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी हाई ओवर द लिप. अगर आप मग में पानी फिल करते हैं भरते हैं तो जो वेलोसिटी होती है लिप पे वो बहुत हाई होती है. मॉडरेटली हाई अप्रोचिंग द लिप एंड वेरी लो एट द बॉटम ऑफ द मग. हाई अप्रोच होती है लिप पे और धीरे धीरे लो होने लगती है बॉटम पे. द अनबैलेंस्ड फोर्स इज ग्रेविटी. और हमारी अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या होती है? जैसे हमारी अर्थ है वो हर चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. अगर हम धरती पर चलते हैं तो वो क्यों है? ग्रेविटेशन के कारण. क्योंकि ग्रेविटेशन के कारण हम पृथ्वी पर चलते हैं, जो हर चीज़ है, हर चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. नहीं तो हम हवा में उड़ते अगर ग्रेविटी ना होती. एंड द फ्लो कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द वाटर इज़ अवेलेबल एंड द मग इज़ टिल्टेड. फ्लो जब तक कंटिन्यूटी में रहेगा जब तक मग में वाटर रहेगा. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड. अ फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल व्हेन इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एंड द विस्कोसिटी डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड. कहते हैं फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल इफ इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. ये कंप्रेस्ड नहीं होता एंड द विस्कोसिटी डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड. और जो इसकी विस्कोसिटी है वो आइडियल फ्लूइड की कैटेगरी में नहीं आती. इट इज़ एन इमेजिनरी फ्लूइड विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी. ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती. ये क्या है? इमेजिनरी फ्लूइड. नेक्स्ट है हमारा रियल फ्लूइड. जो रियल फ्लूइड है हमारा, ऑल द फ्लूइड्स आर रियल एज ऑल द फ्लूइड पोसेस विस्कोसिटी. हर फ्लूइड रियल होता है जो विस्कोसिटी पोसेस करता है. नेक्स्ट है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड. When the fluid obeys Newton's law of viscosity, it is known as Newtonian fluid. Next है हमारा non-Newtonian fluid. When the fluid does not obey Newton's law of viscosity, it is known as non-Newtonian fluid. Ideal plastic fluid. When the shear stress is proportional to the velocity gradient and shear stress is more than the yield value, it is known as ideal plastic fluid. अगर shear stress है proportional है velocity gradient के और shear stress more than the yield value तो वो क्या होते हैं? आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड. नेक्स्ट है हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. व्हेन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड कैन चेंज विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज होती है विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इट इज़ नोन एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. कंप्रेसिबल फ्लूइड. व्हेन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज़ नोन एज कंप्रेसिबल फ्लूइड. अगर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड नहीं चेंज होती तो वो क्या है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. अगर चेंज होती है तो वो क्या है? कंप्रेसिबल फ्लूइड. नेक्स्ट है हमारा नीचे टेबल है. इसमें हमने डेंसिटी विस्कोसिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड की बताई है. जैसे देखो, आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है? कांस्टेंट. और इसकी विस्कोसिटी कांस्टेंट और इसकी विस्कोसिटी क्या है? ज़ीरो आइडियल फ्लूइड की. नेक्स्ट, रियल फ्लूइड की डेंसिटी वेरिएबल है और विस्कोसिटी क्या है? नॉन ज़ीरो. न्यूटोनियन फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी. और विस्कोसिटी कितनी है? u(du/dy) नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. इसकी कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी डेंसिटी. और इसकी विस्कोसिटी क्या है? t इज़ नॉट इक्वल टू u(du/dy). इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है और इसकी विस्कोसिटी नॉन ज़ीरो और ज़ीरो हो सकती है. ऐसे ही कंप्रेसिबल फ्लूइड की
इसकी डेंसिटी वेरिएबल होती है और जो विस्कोसिटी होती है ज़ीरो और नॉन ज़ीरो। नेक्स्ट है हमारा कि फ्लूइड फ्लो कितने टाइप्स का होता है। फ्लूइड फ्लो हैज़ ऑल काइंड्स ऑफ एस्पेक्ट्स, स्टेडी और अनस्टेडी, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड फ्लो हैज़ ऑल काइंड्स ऑफ एस्पेक्ट्स, स्टेडी और अनस्टेडी, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल, विस्कस और नॉन विस्कस, एंड रोटेशनल और इरोटेशनल, टू नेम अ फ्यू। सम ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड इटसेल्फ एंड अदर फोकस ऑन हाउ द फ्लूइड इज मूविंग। फर्स्ट है हमारा स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो। फ्लूइड फ्लो कैन बी स्टेडी और अनस्टेडी डिपेंडिंग ऑन द फ्लूइड वेलोसिटी। जो फ्लूइड की नेचर है स्टेडी और अनस्टेडी, वो डिपेंड करती है फ्लूइड की वेलोसिटी पे। जैसे हमारा स्टेडी है, इन स्टेडी फ्लूइड फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। अनस्टेडी होता है जो, व्हेन द फ्लो इज अनस्टेडी द फ्लोज वेलोसिटी कैन डिफर बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर अनस्टेडी है तो उसकी वेलोसिटी टू पॉइंट्स के बीच डिफर करेगी, अलग अलग होगी। नेक्स्ट है हमारा विस्कस और नॉन विस्कस फ्लो। लिक्विड फ्लो कैन बी विस्कस और नॉन विस्कस। जो हमारा लिक्विड फ्लो होता है विस्कस भी हो सकता है, नॉन विस्कस भी। विस्कोसिटी क्या होती है हमारी, मेजर ऑफ थिकनेस ऑफ अ फ्लूइड। कि थिकनेस कितनी है उसको मेजर करने को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। एंड वेरी ग्लोपी फ्लूइड सच एज मोटर ऑयल और शैम्पू आर कॉल्ड विस्कस फ्लूइड। जिन फ्लूइड की थिकनेस ज़्यादा होती है वो कौन से होते हैं, विस्कस फ्लूइड, जैसे शैम्पू, मोटर ऑयल एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज़ अ मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। जो विस्कोसिटी है वो मेजर होता है फ्लो, फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। इट डिस्क्राइब्स द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ ए मूविंग फ्लूइड। जो इंटरनल फ्रिक्शन करती है मूविंग फ्लूइड की। अ फ्लूइड विद लार्ज विस्कोसिटी रेजिस्ट मोशन बिकॉज इट्स मॉलिक्यूलर मेकअप गिव्स इट अ लॉट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। जब फ्लूइड होती है उसकी लार्ज विस्कोसिटी होती है, क्यों, क्योंकि जो उसकी इंटरनल फ्रिक्शन होती है वो ज़्यादा होती है। यूनिट्स क्या होते हैं इसके, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, पास्कल सेकंड इन एसआई, रो म्यू इक्वल टू रो वी, वेयर रो इज डेंसिटी। नेक्स्ट है हमारा लेमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनर टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो इज़ अ टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो इन विच द फ्लूइड अंडरगोज इरेगुलर फ्लक्चुएशंस। जो टर्बुलेंट फ्लो होता है उसमें क्या होती हैं, इरेगुलर फ्लक्चुएशंस। मिक्सिंग टू कॉन्ट्रास्ट टू लेमिनर फ्लो इन विच द फ्लूइड मूव्स इन स्मूथ पाथ और लेयर्स। और जो लेमिनर फ्लो होता है वो रेगुलर होता है और वो स्मूथ लेयर में फ्लो करता है। इन टर्बुलेंट फ्लो द स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट ए पॉइंट इज कंटिन्यूसली अंडरगोइंग चेंजेस इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो टर्बुलेंट फ्लो में होता है वो स्पीड होती है फ्लूइड की, वो कंटिन्यूस अंडरगोइंग चेंजेस, उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में चेंज होता रहता है टर्बुलेंट फ्लो की। ये देखो जैसे लेमिनर फ्लो है, यहाँ पर रेगुलर मूवमेंट और रेगुलर फ्लक्चुएशंस है, बट टर्बुलेंट फ्लो में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी अलग अलग है और फ्लक्चुएशंस इरेगुलर है। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो। द ऑब्जर्वेशन इज इन एग्रीमेंट विद द फैक्ट दैट द लॉसेज इन अ टर्बुलेंट फ्लो आर मच हायर देन इन लेमिनर फ्लो। जो लॉसेज हैं वो टर्बुलेंट फ्लो में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लेमिनर फ्लो। देखो वर्टिकल साइड हमारा फ्लो है फ्लूइड का और हॉरिजॉन्टल साइड हमारा प्रेशर डिफरेंस है। पहले तो लेमिनर फ्लो जैसे जैसे प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज कर रहा था, फ्लूइड फ्लो इंक्रीज कर रहा था, बट जैसे क्रिटिकल वैल्यू आई वैसे ही क्या हुआ, टर्बुलेंट फ्लो की वैल्यू कांस्टेंट होने स्टार्ट कर गई। आर ई इक्वल टू रो वी डी अपॉन नीटर विद रो इक्वल टू ब्लड डेंसिटी, वी इक्वल टू ब्लड वेलोसिटी, डी इक्वल टू डायमीटर एंड नीटा इक्वल टू ब्लड विस्कोसिटी। फॉर एग्जांपल द फ्लो ऑफ विंड एंड रिवर्स इज जनरली टर्बुलेंट इन दिस सेंस। जो फ्लो होता है रिवर एंड विंड का, हवा का फ्लो होता है और नदियों का, वो क्या होता है जनरली टर्बुलेंट इन दिस सेंस, क्योंकि वो इरेगुलर फ्लक्चुएशंस होती है और कोई भी मैग्नीट्यूड होता है और कोई भी डायरेक्शन होती है हर फ्लक्चुएशंस की। नेक्स्ट है कॉमन एग्जांपल्स ऑफ टर्बुलेंट फ्लो आर ब्लड फ्लो इन आर्टरीज। जो हमारी आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है वो टर्बुलेंट फ्लो की एग्जाम्पल है। ऑयल ट्रांसपोर्ट इन पाइपलाइन, लावा फ्लो, एटमोसफियर एंड ओशियन करंट्स, द फ्लो थ्रू पंप्स एंड टर्बाइंस। नेक्स्ट है हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल। इन फ्लूइड डायनामिक्स बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ ए फ्लूइड।
बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या स्टेट्स करता है? जो इंक्रीज होता है स्पीड ऑफ द फ्लूड में अकर साइमल्टेनियसली विद द डिक्रीज इन स्टेट प्रेशर और डिक्रीज इन द फ्लूड्स पोटेंशियल एनर्जी। वो किस में अकर करता है? जो स्पीड ऑफ ए फ्लूड होता है इंक्रीज करता है वो अगर डिक्रीज होती है उसकी प्रेशर में, डिक्रीज इन द फ्लूड्स पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो फिगर, इन दिस फिगर अ फ्लो ऑफ एयर थ्रू अ वेंट्रीमीटर। वेंट्रीमीटर क्या होता है? जो हमारा ऑक्सीजन मास्क होता है उसमें एक वेंट्रीमीटर लगा हुआ होता है उसके ऑक्सीजन के फ्लो को मेजर करने के लिए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूड प्रेशर एट द एक्सटेंस ऑफ द फ्लूड प्रेशर इज शोन बाय द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द टू कॉलम्स ऑफ वाटर। ये देखो जो प्रेशर डिफरेंस दिया गया है इसमें, वहाँ से फ्लूड फ्लो हो रहा है ऑक्सीजन का, और जो प्रेशर डिफरेंस है ये वाटर का प्रेशर डिफरेंस है। इससे हमें पता लग रहा है कि जो नैरो बॉटम ऑफ द ट्यूब है, टर्बुलेंट फ्लो का नैरो बोर ऑफ द ट्यूब में से जो फ्लो है वो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? हाई। क्यों होती है हाई? उसका प्रेशर क्या कर जाता है? डिक्रीज। नेक्स्ट है हमारी बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम स्टेट दैट इन फ्लूड डायनामिक्स रिलेशन अमंग द प्रेशर वेलोसिटी एंड एलिवेशन इन अ मूविंग फ्लूड द कंप्रेसिबिलिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ विच आर नेग्लिजिबल एंड द फ्लो ऑफ विच इज स्टेडी और लैमिनर। जो बर्नौलीज थ्योरम क्या स्टेट करती है कि रिलेशन होता है अमंग द प्रेशर वेलोसिटी एंड एलिवेशन इन अ मूविंग फ्लूड द कंप्रेसिबिलिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ विच आर नेग्लिजिबल। उसकी कंप्रेसिबिलिटी और विस्कोसिटी क्या होती है? नेग्लिजिबल। और उसका फ्लो क्या सा होता है? स्टेडी और लैमिनर। लैमिनर मतलब उसकी रेगुलर फ्लक्चुएशंस होती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। हमें पता है कि फॉर क्लिनिकल मेडिसिन द सिंप्लीफाइड इक्वेशन अलाउज फॉर एन ईजी एस्टिमेशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट्स फ्रॉम वेलोसिटी। अनदर यूज ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन इन विद दिस द वेंट्री मास्क। जो क्लिनिकल एप्लीकेशन होती है बर्नौलीज थ्योरम की वो क्या है? हमारा वेंट्री मास्क। एज ऑक्सीजन फ्लोज इन टू द ट्यूब इट क्रिएट्स अ डिक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन पासिंग थ्रू अ नैरो ओपनिंग ऑफ द ट्यूब। इसमें क्या करता है? प्रेशर डिक्रीज कर जाता है और वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है जब नैरो बॉटम ऑफ द ट्यूब में से ऑक्सीजन फ्लो करती है। ये क्या है? क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। This one is the topic of fluid flow, types of fluid, laminar and turbulent flow, Bernoulli's principle, Bernoulli's theorem and clinical application of Bernoulli's theorem. Thanks.